जीरो की ओर डिफिकल्टी, जीरो की ओर डिफिकल्टी, जीरो की ओर डिफिकल्टी वॉल्यूम 12 के, लेकिन इसके ऊपर क्वालिटी आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सर्चेस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे। आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो कंज्यूम किए हैं, अभी आपको समझ पे नहीं आ रहा है किस तरीके से 2023 पे अपना ब्लॉग को स्टार्ट करें ताकि आपका फास्ट अटेम्प्ट में ही आपका सक्सेसफुल एक ब्लॉग क्रिएट हो जाए। क्योंकि जितना वीडियो देखे होंगे जिनका ही ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉगर का 5 to 10 वेबसाइट क्रिएट होने के बाद उनमें से 3-4 सक्सेस हुआ है, एंड फास्ट अटेम्प्ट में ही बहुत कम लोगों का, चुनिंदा लोगों का ब्लॉग सक्सेसफुल हुआ है, मैक्सिमम फेलियर। लेकिन अगर हम लोग बिगिनर का बात करें, बिगिनर के पास होता नहीं है इतना सारा मनी, एंड ये जो है बेसिक एंड प्रैक्टिकल एक रीज़न है जिसके कारण से बिगिनर एक साथ 2-3 वेबसाइट को चालू नहीं कर सकते। और एक चीज़ रहता है टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज, टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज को हम लोग थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, लेकिन जो मेन बात है हम लोग के पास मनी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग अगर एक ब्लॉक फेल हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक के ऊपर काम करें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, आपको इस टाइप का एक वेबसाइट को क्रिएट करना होगा जो आपको पहले बार में ही एक सक्सेसफुल ब्लॉग दे, जिससे आप अर्निंग जनरेट कर पाए दिन का $20-30, एंड आप आराम से ब्लॉगिंग को स्केल कर पाए, एंड आप आराम से फ्यूचर 1-2 महीने के अंदर 3-4 ब्लॉग धीरे धीरे स्टार्ट कर पाए, एंड उनमें से भी आप रेवेन्यू को कलेक्ट कर पाए। तो आज का इस वीडियो का कोई सा भी स्क्रिप्ट नहीं रहेगा कि इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग का फोकस यही रहेगा एक ऐसा प्रोसेस आपको बताना जिससे आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग फास्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए। तो इधर पे सबसे इम्पोर्टेंट एंड पहला जो प्रॉब्लम आता है, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है 2023 पे ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एंड बहुत अच्छा लोग ब्लॉगिंग के ऊपर बात करते हैं जो ब्लॉगिंग में कुछ किए हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो ब्लॉगिंग में बहुत सारा कुछ नहीं किए। इतना सारा नॉलेजेबल वीडियो को देखने के बाद आप शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ब्लॉगिंग में ज़्यादा अर्निंग होता है या एफिलिएट मार्केटिंग पे ज़्यादा अर्निंग होता है, क्योंकि लोग ब्लॉगिंग के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग का भी इधर में बात करते। तो एफिलिएट मार्केटिंग पूरा अलग चीज़ होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देके अपना ब्लॉग को इंक्रीज़ करना होगा, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए भी एफिलिएट मार्केटिंग होता है, फेसबुक के जरिए भी होता है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग पूरा अलग चीज़ है, हम लोग सिर्फ आज बात करते हैं ब्लॉग का। एंड अगर आपका ब्लॉग इंक्रीज़ होता है, रैंक होता है, तो आप आराम से उधर से भी गूगल एडसेंस के साथ साथ एफिलिएट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एफिलिएट को भी आप उधर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग एकदम मेन पॉइंट पे आते हैं, आपके पास नॉलेज है, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, एंड आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना होगा ताकि आपका ब्लॉग एक सक्सेसफुल ब्लॉग की तरह नज़र आए विद इन जस्ट 3-4 महीने के अंदर। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा, जो भी टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर सबसे पहले टाइप करें कुछ भी, ठीक है। आपका पहले ब्लॉग में आपको CPC या कौन सा ब्लॉग ज़्यादा अर्निंग आपको दे रहा है इस टाइप से नहीं जाना है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप टारगेट करिए हाई CPC का कीवर्ड को, निश को, जिससे आपका रेवेन्यू बने, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ब्लॉगिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, जो एकदम बिगिनर है वो भूल करके भी हाई CPC या इसके चक्कर पे ना जाए। जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते, मेक श्योर उसके ऊपर ही सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करें। दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आइए, एंड आपका जो भी टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है सिंपली उसको टाइप करिए। इधर पे हम लोग स्पोर्ट्स को टाइप कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ स्पोर्ट किट नीचे आ रहा है तो हम लोग किट को भी डाल रहे हैं। एंड डालने के बाद नीचे आपके सामने कुछ रिजल्ट आएगा, इधर पे हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा रिजल्ट है, टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट्स का किट के अंदर बॉल्स, बैट्स, ग्लव्स वगैरह, पैड वगैरह, बहुत सारा कुछ इधर पे आ रहा है, हेलमेट वगैरह। आप कोई सा भी निश को टारगेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स किट के अंदर, हेलमेट, बैट, कौन सा बैट अच्छा होगा, इस टाइप का ब्लॉग आपको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी एक अच्छा आइडिया होगा, आप अपने आसपास देखिए कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, जैसे कि मेरे पास इधर पे रिंग लाइट भी है, लाइट बहुत सारा है, तो हम लोग इधर पे Ahrefs ओपन कर लेते हैं। जो भी आपका साइट पे आपको नज़र आए सिंपली उसको ही आपको टाइप करना है, Ahrefs की वर्ड टूल लिख के आपको सर्च कर देना है गूगल पे, एंड आपके सामने आ जाएगा Ahrefs का फ्री कीवर्ड टूल। एंड इधर पे कंट्री आप शुरू में इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा होगा। एंड हम लोग इधर पे चूज़ कर रहे रिंग लाइट, ओके रिंग लाइट, एंड देन एंटर, एंड आपके सामने रिंग लाइट का कीवर्ड का लिस्ट ओपन होके आ जाएगा।
आप देख पा रहे हैं रिंग लाइट के अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है, 20 कीवर्ड डिफिकल्टी, जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी, जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी, जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम 12 के, लेकिन इसके ऊपर सर्चेस मतलब आर्टिकल क्वालिटी आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सर्चेस बहुत ही ज़्यादा है। तो देख पा रहे इस तरीके का आपके आसपास बहुत सारा सामान होगा जिसके ऊपर हम लोग आमतौर पर फोकस नहीं करते। यूट्यूब पर जो भी बताया जाता है हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते, लेकिन दोस्तों ब्लॉगिंग इस तरह से नहीं होता है। सबसे पहले ब्लॉगिंग मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी देना, एंड अगर जानकारी आपको नहीं मिल रहा, आपको कीवर्ड रिसर्च शुरू में नहीं आता है, सिंपली देखिए आपके सामने चेयर टेबल पाउडर लाइट वगैरह बहुत सारा कुछ होगा, आपके घर में ही होगा, सिंपली उसका इंग्लिश नाम को फाइंड आउट करिए, इचट्रिप्स का फ्री कीवर्ड टूल पे आइए एंड उसको एंटर करिए, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जो भी कंट्री आपको पसंद आए आप सिलेक्ट करिए एंड सर्च करिए, आपके सामने इस टाइप का कीवर्ड तो मिल ही जाएगा। देख पा रहे सामने ही रिंग लाइट है एंड मैंने इसको सर्च किया एंड आपके सामने रिजल्ट कीवर्ड डिफिकल्टी जीरो। अभी बात आएगा, बहुत लोग कहेंगे कि अगर रिंग लाइट ही लेना होता तो मैं जाता अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, आजियो पे, जिधर भी मिलता होगा, क्यों तो मैं क्यों इधर पे इचट्रिप्स में सर्च करूँ एंड लोग क्यों इधर पे सर्च करें, गूगल पे क्यों सर्च करते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले क्या होता है, आप उसके बारे में जानना पसंद करते हैं। आमतौर पर हम फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते, कई बार हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, रिव्यू लेते हैं एंड अगर आप अच्छा एक ऑडियंस होंगे तो आप गूगल पे भी सर्च करते होंगे एंड ज़्यादातर लोग इंडिया में गूगल को ही सर्च करते हैं, वो भी वॉइस के ज़रिए कि वॉइस गूगल असिस्टेंट को ओपन करते हैं, गूगल असिस्टेंट पे जो वॉइस फीचर से क्लिक करते एंड रिंग लाइट बेस्ट प्राइस, बेस्ट रिंग लाइट फॉर मी, इस टाइप से सर्च करते हैं। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि गूगल पे सर्चेस है एंड ये जो सर्चेस है ये गूगल के ऊपर है, ना कि आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा, ये गूगल के ऊपर है। एंड अगर हम लोग सर्च करते हैं सिंपली एलईडी रिंग लाइट बैकग्राउंड सर्च गूगल फॉर फास्ट, तो सबसे पहले इमेज आ रहा है, नीचे आपका पिंटरेस्ट का वेबसाइट आ रहा है, देख पा रहे सबसे पहले आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट नहीं आ रहा है। हम लोग क्या सोच रहे थे कि पहले सर्च करेंगे तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का वेबसाइट आएगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको इमेज दिखा रहा है, देन पिंटरेस्ट का वेबसाइट आ रहा है, देन अनफ्लैश जो कॉपीराइट फ्री इमेज प्रोवाइड करता है, अनफ्लैश एक कॉपीराइट फ्री इमेज प्रोवाइडर है, उसका वेबसाइट आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे देख पाएंगे कुछ क्वेश्चंस आ रहा है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है गूगल पे, कि इज रिंग लाइट सेफ फॉर आइस, आइस के लिए क्या अच्छा है, आर एलईडी लाइट एलईडी रिंग लाइट्स गुड, क्या अच्छा है एलईडी रिंग लाइट, व्हिच रिंग लाइट इज बेस्ट, इज रिंग लाइट यूजफुल, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा नीचे करेंगे फिर भी दूर दूर तक आपके सामने अमेजोन या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट नहीं आ रहा, किसी टाइप का भी शॉपिंग वेबसाइट नहीं आ रहा है, हालांकि आना चाहिए ये मेरा भी मानना था, लेकिन असल में रिजल्ट कुछ अलग ही बता रहा है। देख पा रहे ये जो कीवर्ड हम लोग सर्च किए थे सिंपली जिसके ऊपर 4,000 का डेली सर्च वॉल्यूम है, जिसके ऊपर जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी है एंड इस टाइप का वेबसाइट आ रहा है, कोई सा भी ब्लॉग वेबसाइट नहीं आ रहा। नीचे आएंगे तो एडोबी का वेबसाइट आ रहा है, stock.adobe image, मतलब इसके अंदर कोई सा भी शॉप या प्रोडक्ट का नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो बंदा सर्च कर रहा है ये परचेस करने के लिए ही सर्च कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप एक न्यू ब्लॉग को क्रिएट करते हैं सिंपली इसके ऊपर अंधा होके एकदम ब्लाइंडली आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए आर्टिकल को लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल लिखने के दौरान आपको एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना होगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल पे ही मिल जाएगा, लास्ट वीडियो को अगर चेकआउट करेंगे तो एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, नीश के लिए आपका जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का तरीका है चेंजेस होते रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट टाइप का कैटेगरी है इसके लिए किस तरह से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखे, अगर आप डिटेल चाहिए, आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करें, आपके लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, इसके अंदर हम लोग इसी टॉपिक को लेके डिटेल पे आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कीवर्ड डिफिकल्टी एकदम जीरो एंड सर्च हो रहा है 12K, 4K, 4K ऑलमोस्ट 35K का इधर पे सर्च है, देख पा रहे ऑलमोस्ट 35K का सर्च है। नीचे आएंगे तो बहुत सारे कीवर्ड जिसके ऊपर कोई सा भी कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है एंड देख पा रहे कोई सा भी ब्लॉग इसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिख रहा है। तो आप आसानी से इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हुए एकदम न्यू वेबसाइट को रैंक कर सकते हो विदाउट एनी बैकलिंक, विदाउट एनी ऑफ पेज एसईओ, सिर्फ ऑन पेज एसईओ के जरिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने पूरा अपॉर्चुनिटी है जिधर पे आप आर्टिकल लिखते हो रैंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक फ्रेश वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश वेबसाइट होगा तभी आपका रैंकिंग में हेल्प होगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कुछ भी हिस्ट्री वगैरह नहीं रहेगा। उसके लिए आप होस्टिंगर पे आए, नीचे आपको 20% डिस्काउंट का लिंक मिल जाएगा जो अभी के टाइम पे वैलिड है,
लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे होस्टिंगर पे, देख पाएंगे इधर पे ऑन 39 पर मंथ का आप प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं 48 मंथ के लिए। नीचे आएंगे एंड आपका 3 महीने का एक्स्ट्रा जो है होस्टिंग का प्लान ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इस प्लान के साथ एकदम फ्री का डोमेन मिल जाएगा। आपको अगर 4 साल के लिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो आप 12 मंथ के लिए भी जा सकते हैं। एंड नीचे कोड 4 साल के लिए जितना वैलिड रहेगा 12 मंथ एंड 1 महीने के लिए भी उतना ही वैलिड रहेगा, लेकिन 1 महीने को परचेस मत करिए, मिनिमम 12 मंथ यानी 1 साल को परचेस करिए। 20% कूपन कोड तीनों जगह पे ही वैलिड रहेगा, तो आप परचेस करिए एंड डोमेन आपको उसके साथ फ्री मिल जा रहा है। तो परचेस करने के बाद आपको चाहिए होगा एक प्रीमियम थीम जिससे आपका वेबसाइट और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड न्यू लुक दे पाए। तो उसके लिए अगर आप लिंक से परचेस करते हो होस्टिंग, तो आप सिंपली आप इंस्टाग्राम पे या जीमेल पे मैसेज करिए इनवॉइस के साथ, मैं आपको जेनरेटप्रेस प्रीमियम थीम प्रोवाइड करूँगा, उसके साथ कुछ एडिशनल प्लगइन भी आपको मैं दूंगा जिससे आपका वेबसाइट और भी ऑथेंटिक लगेगा एंड आप और भी आसानी से रैंक कर पाए, क्योंकि डिज़ाइन भी इधर पे मैटर करता है, आपका वेबसाइट की स्पीड भी मैटर करता है। ध्यान में रखें अगर आप नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए जाते हैं एंड मेरे को आप इंस्टाग्राम पे DM करते हैं तभी मैं आपको एक गिफ्ट दे पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए जाइए क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो कहीं पर भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो फिर से हम लोग गूगल पे आते हैं। हम लोग का सर्च था LED रिंग लाइट फॉर बैकग्राउंड। हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर रिसर्च को थोड़ा सा दिखाएंगे ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस रिंग लाइट यूजफुल, ऑब्वियसली यूजफुल, व्हिच साइज इज रिंग लाइट, ओके व्हिच रिंग लाइट इज बेस्ट। ये जो एक अच्छा क्वारी हो सकता है क्योंकि लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि उसका बजट पे बेस्ट रिंग लाइट उनको मिले, तो उनके लिए व्हिच रिंग लाइट इज बेस्ट ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड देख पाएंगे आपके सामने जो वेबसाइट आ रहा है टॉम्स गाइड, जो बेसिकली एक वेबसाइट है जो बेसिकली PC के ऊपर एंड डील्स के ऊपर बात करता है, लेकिन इधर पे रिंग लाइट का भी इन्होंने ब्लॉग को क्रिएट किया, लेकिन इनका जो ब्लॉग है बेसिकली रिंग लाइट के ऊपर है ही नहीं, बेसिकली एक ओवरव्यू ओवरऑल न्यूज़ टाइप का वेबसाइट है टॉम्स गाइड का। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रिंग लाइट के रिलेटेड ही एक माइक्रो निश को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा, आप सिंपली गूगल को ही ओपन करिए, इधर पे सर्च करिए हु इज़, ठीक है हु इज़ लिखते हुए सर्च करिए, आपके सामने आ जाएगा whois.com, डोमेन नेम एंड आइडेंटिटी फॉर एवरीवन। आप सिंपली इधर पे लिखिए सर्च बार पे रिंग LIGHT रिंग लाइट एंड सिंपली सर्च करिए। इससे क्या होगा, जो जो वेबसाइट रिंग लाइट के रिलेटेड अवेलेबल होगा आपके सामने आ जाएगा। देख पा रहे सजेशन, rings.light.com, ringlightclothing.com, blueringlight.com, आप सर्च कर सकते हैं इधर पे रिंग लाइट के बजे जगह पे रिंग लाइट bestringlight.com। ओके हम लोग सर्च करते हैं bestringlight.com, bestringlight.com अवेलेबल है, देख पा रहे bestringlight.com अवेलेबल है। एंड ये सबसे अच्छा होगा किसी भी यूज़र को अपने वेबसाइट पे लाने में, क्योंकि देख पाएंगे जो भी यूज़र आना चाहेगा अगर डोमेन नेम पे ही उनको मिले लगे कि बेस्ट रिंग लाइट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी वो लेना चाहेगा रेड ब्लू येलो टाइप का RGB या नॉर्मल रिंग लाइट, अगर डोमेन का टाइटल में ही रहेगा कि बेस्ट रिंग लाइट, मतलब उधर पे उसको बेस्ट ही मिलेगा, इधर पे सेकेंड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो हमेशा ऑलरेडी आपका जो यूज़र होगा आपके वेबसाइट में ही बार बार आएगा, लेकिन उसके लिए एक चीज़ आपका आर्टिकल से ही होना चाहिए। अगर यूज़र तो आपके वेबसाइट पे आएगा अगर इस टाइप का डोमेन आपके पास होगा, लेकिन अगर आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा तो सेकंड टाइम यूज़र लौट के नहीं आएगा अगर उसको परचेस करना होगा तब भी। तो सबसे पहले आर्टिकल डोमेन इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम आइडिया मैंने आपको दिया। एंड इस तरीके से आप सिर्फ रिंग लाइट नहीं बल्कि जो भी निश के ऊपर आप काम करना चाहते हेल्थ टेक स्पोर्ट्स वगैरह किट जो भी दिखा आप काम कर सकते हैं एंड एक अच्छा माइक्रो निश होगा। हालांकि मैं इसको माइक्रो निश नहीं कहूँगा, ब्रॉड निश है लेकिन स्पेसिफिक चूजी निश है, तो आप इसके अंदर आसानी से आप 10-30 आर्टिकल के जरिए रैंक हो सकते हैं। 30 आर्टिकल 30 दिन कंप्लीट लिखिए डेली, एक एक करके आर्टिकल, जस्ट एक एक करके आर्टिकल रिंग लाइट के ऊपर। एंड रिसर्च तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्री टूल के जरिए आप कर सकते हैं, आर्टिकल को लिखिए आपका आर्टिकल रैंक होगा ही होगा। बिगिनर है आपके पास आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करें, तो एक बेसिक गाइड आपके लिए हो ही सकता है कि एक ब्लॉग इसके ऊपर एकदम जीरो की और डिफिकल्टी आप काम कर सकते हैं। हालांकि इस कीवर्ड के अंदर इस मतलब ये जो टॉपिक है इसके अंदर इसको लेके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है अभी उतना नहीं देखते हैं लोग हाई क्वालिटी वीडियो, लेकिन लोग उतना नहीं देखते। तो अगर आप इसी को रिंग लाइट को लेके ही काम करते
तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड अगर फ्यूचर पे आपका अगर सपोर्ट रहेगा, चैनल ग्रो होगा, अगर लोग ज़्यादा देखते तो आप इस टाइप का डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप इस टाइप का आइडिया लेके दूसरा वेबसाइट, दूसरा टॉपिक को, टॉपिक के अंदर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपका एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल चुका है किस तरह से एक न्यू ब्लॉग को क्रिएट करें, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक सक्सेसफुल ब्लॉग आपके पास रहे। कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले उसके अंदर पोस्ट लिखिए, 30 पोस्ट डेली सबसे पहले लिखिए, उसके बाद डोमेन को खरीदिए। ये आप डोमेन खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन 30 पोस्ट पूरा रेडी रखिए, देन आपका वेबसाइट को सेटअप करिए, देन 30 पोस्ट को आप शेड्यूल करते जाइए। क्या होगा, आमतौर पर न्यू ब्लॉगर के केस पे ये चीज़ होता है, 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल लिख दिए, लेकिन न्यू ब्लॉगर का 6th day या 7th day आर्टिकल लिखने का मन नहीं करता है। एंड एक दिन अगर गैप हो जाता है तो आपका ब्लॉग पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले न्यू ब्लॉगर के लिए जो लेज़ी फील करेंगे, बेसिकली हर एक न्यू ब्लॉगर करते हैं, तो उनके लिए कि आप सबसे पहले 30 आर्टिकल को रेडी रखिए, देन धीरे धीरे शेड्यूल कर दीजिए, वेबसाइट को लाइव करिए, एंड ऑटोमेटिकली आपका हर एक दिन न्यू आर्टिकल पब्लिश होते जाएगा। गूगल को लगेगा वेबसाइट बहुत ही ऑथेंटिक है, डेली इश्यू फ्रेंडली क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, दे रहा है, तो आपको रैंकिंग देगा ही देगा। एंड बेसिक वर्डप्रेस को सेटअप करिए, रैंक मैथ का प्लगइन को यूज़ करिए, जीपी प्रीमियम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके यूज़ करेंगे तो नॉर्मल एक अच्छा डिसेंट लुकिंग ब्लॉग आपके पास होगा, जो हाई स्पीड को दर्शाएगा, एंड जिससे आपका रैंकिंग बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड इसके ज़रिए आप एक प्रोमिनेंट ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। आइडिया बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको सिर्फ अप्लाई करने का देरी है। जब भी आप अप्लाई करेंगे आपके सामने रिजल्ट होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ आप इतना स्टार्ट करके देखिए, आपके पास रिजल्ट होगा। एंड अभी तक अगर वीडियो देखे है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने सबसे पहले लेके आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।